नमस्कार दोस्तों, आसुजी इलेक्ट्रिक सेल्स एंड सर्विस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हमारे पास देखिए एक चावल की भट्टी है, ये इसके ऊपर पाइप रेगुलेटर लगाने का है। दोस्तों, भट्टी है नया है, लेकिन बहुत दिन से मेरे पास रखा है, फिर 2-3 साल पुराना खरीद दिया मेरा, अभी तक बिका नहीं था, ये बहुत दिन से पड़ा, उससे जंग लग गया है। और आज इसका कस्टमर आया है, तो इसको हम पाइप रेगुलेटर सेटिंग करने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को दिखा दें कि भट्टी का रेगुलेटर पाइप कैसे लगाते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा ये रेगुलेटर है, स्टील में कंपनी का है। दोस्तों रेगुलेटर भी एकदम अच्छी क्वालिटी वाला है। ये दोस्तों ये मेरा हाइड्रोलिक पाइप है, ये लगता है भट्टी पे। दोस्तों देखिए, इसको लगाने का है तो कुछ लोग टेप्लॉन टेप का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं इसको टेप्लॉन टेप का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास देखिए ऐसा वाशर मिलता है दुकान में, अगर आपको कभी लगाना हो तो जहाँ से आप भट्टी पाइप वगैरह लेंगे वहाँ बोलेंगे हमको पाइप में लगाने वाला वाशर चाहिए, या सीसा वाशर बोलेंगे, आपको ये मिल जाए दुकान पर। ये वाशर ले लें और इसको इस तरह से लगा दें और फिर आपका रेगुलेटर टाइट कर दें। दोस्तों टाइट इतना करना है आपको कि आपका जो ये अनरोल नट है ये घूमना नहीं चाहिए वाला, अगर घूम जाएगा तो लीक हो जाएगा। थे इसे ताकत करें, ताकत लगाएं तो आराम ताकत लगाएं, कितना ना घुमा दें कि आपका ये अनरोल नट घूम जाए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना घुमाने का है, बस केवल इतना घुमाएं। दोस्तों टाइट हो हमारा ये। अब दोस्तों इस साइड भी हम ऐसे करेंगे, ये वाशर लें और यहाँ चार्ज कर दें। दोस्तों फुल टाइट करना है आपको, नहीं तो लीक कर जाएगा। दोस्तों पाइप लगाने के बाद आपको लीकेज भी चेक करना है, अगर लीक तो नहीं है क्योंकि हाई प्रेशर रहता है ये, अगर लीक रहेगा तो बहुत बड़ा लीक होता है और आग भी लग सकता है। इसे जब भी आप भट्टी रिपेयरिंग करें तो बड़ी सावधानी से करें कि जो अपने घर का पाइप होता है रेगुलेटर होता है वो लो प्रेशर होता है, उसका प्रेशर बहुत कम रहता है, लेकिन इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। दोस्तों मैं सिलेंडर बिठा के एक बार इसका लीकेज चेक करूँगा, फिर जब देखेंगे। दोस्तों बिठा दिया हमने, दोस्तों ने बिठा दिया, इसके अंदर गैस भर गया, एक बार हम लीकेज चेक कर लेंगे फिर आप जलाएंगे दिखाएंगे। दोस्तों से चेक कर लें कहीं आपको लीक तो नहीं है, दसों वाला लीक नहीं है। और देखिए इसमें गैस है, जब आप बोलेंगे कि गैस है नहीं, ये तो चला हमारा, ये इसमें गैस था, हमने फिर चेक किया था। अब दोस्तों एक बार सिलेंडर लगाए दिखाते हैं आपको, लीकेज चेक करना दोस्तों, तो हमेशा ऐसे चेक कर, जैसे मैंने चेक किया अभी, पाइप लगा दें एक बार और पाइप लगा के चालू कर दें, चालू करने के बाद में फिर आप लीकेज चेक कर लें, फिर दोबारा सिलेंडर लगा दें और फिर जला के चेक करें। दोस्तों इसके अंदर लीकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लीकेज सही नहीं चेक करवाएंगे दोस्तों, हाई प्रेशर भट्टी है ये, केवल इसके चाय के लिए उपयोग किया जाता है।
दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों आप लोगों ने हमारा वीडियो देखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।